in the chapter of optimization the today's topic is the analysis of the firms in the long run competitive equilibrium when we say the competitive equilibrium it means there are the many number of the firms in the competition prevailing in the market and for that market these firms they are facing a situation when the entry into the market is quite easy and there is no barrier for their entry or the exit. And when we say the firms they have a very free access, it means those firms they will decide to enter in the market definitely on certain incentives. And what will be that incentive? Means the firms they will be thinking or might be they have seen that they are entering into a business that is a very lucrative for them, mean they are getting a very positive profit. अगर हम इसको सादा अल्फाज में देखें तो वह यही है कि जब भी किसी फर्म मार्केट में वेरियस फर्म्स अवेलेबल हों तो जब नए एंटरप्रेन्योर या नए बिज़नेस जब कहीं फ़ौरी तौर पे एंटर हो रहे होते हैं तो वो एक दूसरे के देखा देखी हमेशा उस बिज़नेस में एंटर हो रहे होते हैं जहां वो समझते हैं कि वहां पे प्रॉफ़िट बहुत इजीली और बहुत अच्छा मिल रहा है इफ़ दिस विल बी द सिचुएशन तो देन थ्रू द एंट्री ऑफ द वेरियस फर्म्स क्योंकि जो कैलकुलेट नहीं हो रही माइट भी क्या एक फॉर्म ने आज अपनी सारी असेसमेंट की है एंड कल मार्केट में उसके दो तीन चार नए कंपेटिटर अवेलेबल हों सो कंसिडरिंग दिस कंपिटिशन देन देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी के जो पोटेंशियल प्रॉफिट एक मार्केट का जो पहले उस फॉर्म को नजर आ रहा था वो नेक्स्ट डे उसको अवेलेबल ना हो एंड इन दैट सिचुएशन उसको अपने आउटपुट की प्राइस या आउटपुट की अमाउंट को एडजस्ट करना पड़े एंड इफ इट विल बी लाइक द केस तो उस फर्म को अपने एडजस्टमेंट ऑफ़ द कॉस्ट को किस तरीके से करना होगा और उस एडजस्टमेंट ऑफ कॉस्ट में उसको अपटिमल लेवल किस तरीके से अटेन करना होगा सो दिस एनालिसिस इज़ परटेनिंग टू पर्टिकुलरली दोज फॉर्म्स ऑफ दोज डिसीजन जहाँ पे उसको अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज़ करते हुए उस पॉइंट पर आना है जहाँ पर उसको मार्केट में इनपुट प्राइस के रिस्पोंड में अपने आउटपुट को एडजस्ट करना है. एंड एज वी नो दैट वेन द मोस्टली फर्म्स दे आर ऑपरेटिंग इन द इकॉनमी तो वो जब भी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उन्हें अपने आप को एडजस्ट करना हो फॉर द प्रॉफिट मैक्सीमाइजेशन तो वो हमेशा अपनी एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट पर ऑपरेट करेंगी मीन वैन दे आर एवरेज कॉस्ट का विल बी एट देयर मिनिमम पॉइंट तो वो उसका प्रॉपर ऑपरेटिंग पॉइंट होगा जहाँ पे वो मिनिमम या लीस्ट कॉस्ट के हवाले से होगी सो इफ दिस इज़ सिचुएशन वी कैन सी कि कोई भी जो फर्म है वो अपने उस मिनिमम एवरेज कॉस्ट कर्व के ऊपर काम अगर कर रही है तो वो मिनिमम एवरेज कॉस्ट का जो उसका पॉइंट है उसको वो लोकलाइज कैसे करेगी या उसको सर्च आउट कैसे करेगी और अगर वो उस पॉइंट पे है तो दैट पॉइंट ऑफ मिनिमम एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो फैक्टर की प्राइस के रिस्पॉन्स में कैसे चेंज हो सकता है एज़ वी नो दैट द फर्म हैज़ टू एडजस्ट इट्स कॉस्ट मीन जहाँ पे हम कहते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट इट शुड बी इक्वल टू द मार्जिनल रेवेन्यू और यहाँ पे जब बहुत सारी फर्म्स हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ पे उसका जो एवरेज कॉस्ट कव है वो उसके साथ ही इक्वेट कर रही है अब मार्जिनल कॉस्ट कव में भी जब हम फैक्टर डिमांड फंक्शन को देखें तो बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन द इनपुट प्राइसेस एंड द अमाउंट ऑफ द आउटपुट एंड लाइक वाइज द एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो भी इनपुट की प्राइसेस और आउटपुट के लेवल के तहत वर्क कर रहा होगा अब अगर हम देखें तो अब इन दोनों इक्वेशंस में अगर हम देखें तो एक इम्प्लिसिट फंक्शन है जिसमें ये इंटरनली इन्वॉल्व हैं क्योंकि दोनों ही डिपेंड कर रही हैं डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू एंड अमाउंट ऑफ आउटपुट पे अब अगर हम कहें कि इम्प्लिसिट फंक्शन के वर्किंग की जितनी भी कंडीशंस हैं वो यहाँ पे प्रिवेल हो रही हैं तो जो इम्प्लिसिट फंक्शन के थ्योरम को फॉलो करते हुए हम इस इक्वेशन को किसी एक वेरिएबल के हवाले से सॉल्व कर सकते हैं और कीपिंग इन व्यू द अदर्स कांस्टेंट फॉर दैट और जब हम सेकेंड वेरिएबल के लिए करेंगे तो हम प्रीवियस को कांस्टेंट मीन वो विल मूव फॉर द पार्शियल इकोब्रियम एनालिसिस और अगर हम अब इस पर जाएँ तो देन वी कैन सी कि जो अमाउंट ऑफ दिस वाई है ये बेसिकली उस पर्टिकुलर पॉइंट या उस वाइज टैरिक पे या ये उस डिज़ायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट को शो करेगा और जो डिपेंड करेगा बोथ इनपुट प्राइसेस को के जो हमारे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को और कॉस्ट मिनिमाइजिंग लेवल के ऊपर एडजस्ट हो रहा होगा अब ये वाला जो पॉइंट है अगर हमारे पास ये अमाउंट ऑफ आउटपुट आ रहा है तो यहाँ पर अब हम इसका एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं इट मीन what विल बी द एवरेज आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू द prices ऑफ दिस डब्ल्यू आई एंड डब्ल्यू टू मीन फर्स्ट डेरीवेटिव जो हम अगर देखें कि अगर इनपुट की प्राइस में चेंज हो रही है तो उसके रिस्पॉन्स में हमारा जो आउटपुट लेवल है उसकी एडजस्टमेंट थ्रू द इम्प्रेसिव डिफ्रेंसीशन क्या हो रही है नाउ कमिंग टू दैट जैसे हमने प्रीवियस ही में नोट किया था कि मार्जिनल कॉस्ट क इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट और दोनों का जो फंक्शन है वो W1, W2 डब्ल्यू टू एंड वाई ही था अब जो हमने प्रीवियस इक्वेशन में Y की वैल्यू को देखा है दिस y विल बी इक्वल टू y स्टेरिक वैल्यू दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन दिस w1 वन एंड डब्ल्यू टू सो दिस वाई इज हेयर बाय सब्सीट्यूटेड दिस वैल्यू अब जब हम उस वैल्यू को यहाँ पे सब्सिट्यूट करते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो हमारा इस फॉर्म में आता है और जो उसकी आइडेंटिटी एवरेज कॉस्ट की है वो हमारे सामने इस फॉर्म में बनती चली जाती है नाओ वी कैन डिफरेंशिएट दिस आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू द डब्ल्यू आई मीन वट विल बी द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ इनपुट वन ऑन द मार्जिनल कॉस्ट एंड द एवरेज कॉस्ट कब अब अगर हम देखें तो दिस ऑस्पेक्ट इट शोज द चेंज इन द मार्जिनल कॉस्ट कब

एंड सेकेंड द चेंज इन द एवरेज कॉस्ट ड्यू टू द चेंज इन आउटपुट एंड दैट आउटपुट दैट इज़ अफेक्टेड बाई द चेंज इन दैट इनपुट अब अगर हम देखें तो जो मिनिमम एवरेज कॉस्ट का है कर्व वो थ्रेटिकली हमने ये देखा है कि ये मिनिमम वही पॉइंट होगा जब हम कहेंगे कि इट्स चेंज इन एवरेज कॉस्ट कर विद जो है वो इट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो क्योंकि अगर हम कॉस्ट कर्व्स को ड्रा करते हैं तो देन वी कैन सी दिस इज एवरेज कॉस्ट कर्व एंड दिस इज़ मार्जिनल कॉस्ट कर्व तो जब ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं तो वो पॉइंट वेयर इज द इंटरसेक्शन दैट इज बेसिकली वेयर मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट कब्ज दे आर इक्वल एंड एट दैट पॉइंट एवरेज कॉस्ट इज़ द मिनिमम लेवल एंड फ्रॉम दैट वी कैन सॉल्व अब हम अगर उसी पॉइंट को देखें तो जो हमारे पास दिस ऑस्पेक्ट है हम इसको यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं एंड नाउ इसको फाइंड आउट करने के लिए अब अगर हम इस इक्वेशन को एडजस्ट करें तो देन वई कैन सी इफ वई कीप दिस पार्ट हेयर दिस विल बी दिस चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन डब्ल्यू आई एंड ऑन द अदर साइड नाउ दिस पार्ट इज टेकन ऑन दिस राइट साइड एंड देन वई विल सी दैट इट इज़ इक्वल टू दिस चेंज इन मार्जिनल कॉस्ट का एंड डिवाइड बाय दिस अगर हम इसको देखें तो ये वाला ऑस्पेक्ट हमने चूंकि यहाँ पे जीरो कर दिया अब इस पार्ट के लिए हम नगर यहाँ पे लेके आ रहे हैं कि इफ इट इज लाइक दिस एंड दिस कंपोनेंट को हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो दिस विल बी लाइक दिस चेंज इन एवरेज कॉस्ट डिवाइड बाई डब्ल्यू मीन दिस इज दिस पार्ट माइनस चेंज इन मार्जिनल कॉस्ट कव डिवाइडेड बाई चेंज इन डब्ल्यू दिस पार्ट इधर जाके माइनस हो जाता है एंड अब ये वाला जो कम्पोनेंट है ये इस टोटल फंक्शन को डिवाइड करते हुए इधर आएगा तो जिसके लिए अब हम करते हैं कि दिस इज वन डिवाइडेड बाई चेंज इन मार्जिनल कॉस्ट कव डिवाइड बाई चेंज इन वाई एंड दिस इक्वेशन इज री रिटर्न हेयर इन दिस फॉर्म और इसी को एक्सप्रेशन को सोल्व करती हुई अगर हमने जिस तरीके से ये चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू वाई किया है वी कैन ऑल्सो सॉल्व फॉर द डब्ल्यू टू एंड वहाँ पर अगर हम देखें तो सिर्फ डिफरेंस क्या होगा कि यही वाली इक्वेशन जो है जब ये W2 के लिए हम करेंगे तो ये तमाम नोटेशन जो W1 के लिए हैं वो W2 को शो करेंगे एंड इन दिस वे वई कैन से दैट द एक्चुअल अफेक्ट इन द चेंज इन द प्राइस ऑफ वन इनपुट ऑन द अमाउंट ऑफ आउटपुट को तो दैट विल बी इक्वल टू दिस ऑस्पेक्ट और इसको हम इस हवाले से सॉल्व कर सकते हैं